हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीलम। आज हम बनाएंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूनिक सा डिज़र्ट। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में बनके तैयार होगा और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की डिलीशियस डिज़र्ट रेसिपी। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हम एक कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें हम 1/3 कप शुगर ऐड करेंगे और जितना हमने शुगर लिया है उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और गैस का फ्लेम अभी हम हाई रखेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से चला लेंगे। और चाशनी जो है हमें एक तार की चाशनी बनानी है। शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे हम। तो आप देख सकते हैं शुगर जो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे, तो हम चेक कर लेते हैं चाशनी हमारी बनी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी एक तार इसमें नहीं बन रहा है, तो अभी हम इसको 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें तार बन रहा है एक, तो हमारी चाशनी जो परफेक्ट बन गई है। हम इसको ठंडा होने देंगे चाशनी को, तब तक के लिए हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए 4 ब्रेड के स्लाइसेस। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे हम और एक कुकिंग कटर से इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ मैंने हार्ड शेप का कुकिंग कटर लिया है, आपके पास जो भी शेप का हो उससे आप कट कर सकते हैं या फिर इसको आप नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं आपके पास कुकिंग कटर नहीं है। तो इस तरीके से हम ये हार्ट शेप के सारे स्लाइसेस कट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है ये डिज़र्ट और ये बहुत ही कम समय में बनके तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम मैंने सारे जो हैं ब्रेड के स्लाइस कट कर लिए हैं हार्ट शेप में। और जो अब चाशनी है हमारी उसको मैंने एक बाउल में निकाली, इसमें हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे 4 से 5 ड्रॉप और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम वैलेंटाइन डे स्पेशल बना रहे हैं, तो इसमें मैंने इसलिए रेड कलर फूड जो है वो डाला है चाशनी में। अच्छे से मिक्स हो गया ये। और हम लेंगे मावा या खोया 50 ग्राम के करीब, तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम लिया है। और एक हम स्लाइस लेंगे, उस पर ये जो खोया है इस तरीके से स्पून की हेल्प से हम इसको फैला देंगे। ये देख सकते हैं आप। अब दूसरा स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम इसको रख देंगे और जो हमने अपनी चाशनी बनाई हुई थी उसमें इसको डिप करेंगे और अच्छे से इसको कोट कर देंगे चाशनी से। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ये आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मैंने कवर कर दिया है, कोट कर दिया है चाशनी से। ये फोक की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी जो स्लाइसेस हैं अपने उसको भी इस तरीके से कोट कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे सारे जो स्लाइसेस हैं वो अच्छे से बन गए हैं। इस पर हम थोड़ा सा सिल्वर बॉल से हम इसको स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। आप कुछ किसी भी चीज़ से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा क्विक एंड ईजी डिज़र्ट बनके तैयार है। देखा ना आपने, बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगा इसको बनाने में, बहुत ही जल्दी बनके ये तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बना के खिलाइएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।